वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने ड्रोसोफिला की पैटर्न डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। उसमें मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको इनिशियल बताया था बेसिक क्या होता है उसमें। तो इस वीडियो में आपको जीन रेगुलेशन बताऊंगा, जेनेटिक पैटर्न क्या है उसका, कौन कौन से जीन हेल्प करते हैं। तो इसमें मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू ही कराऊँगा। इसमें थोड़े डायग्राम टफ है, उम्मीद है आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बॉडी का प्लान है, तीन सेगमेंट होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। तो हेड की अगर बात करें तो हेड के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन सेगमेंट, थोरेक्स के तीन एंड एब्डोमन के एट। तो ईच सेगमेंट हैज़ यूनिक आइडेंटिटी एंड प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग आइडेंटिटी के जीन यहाँ हेल्प करते हैं। तो यहाँ आप इसको देख सकते हो ईजी वे में, हेड के तीन पार्ट्स हैं, मैंडिबल, मैक्सिलरी, लेबियल, थोरेक्स के T1, T2, थ्री थ्री प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और एब्डोमेन के एट सेगमेंट। तो यहाँ पे आप अलग अलग इसके नाम हैं, स्पेलिक रिज्म, नॉप्टिक रिज, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो आप म्यूटेशन अफेक्टिंग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इंडिपेंडेंट मेटर्नल सिस्टम इंटीरियर पोस्टीरियर। तो यहाँ फेट मैप है इसका, बाइल टाइप, इंटीरियर पोस्टीरियर टर्मिनल, जहाँ क्रॉस किया वहाँ म्यूटेशन है। यहाँ लार्वा देख रहे हैं आप स्टार्टिंग में, इंटीरियर में है तो यहाँ कौन सा ग्रेडियंट बन रहा है, कौन सा जीन बन रहा है, तो बाद में स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मटर्नल इफेक्ट जीन्स जो हैं, जो जीन मदर से आते हैं, जो एग के थ्रू ही आते हैं, उसको कहते हैं मटर्नल इफेक्ट जीन्स। तो यहाँ आप इनको देख सकते हो, जीन जो है इंटीरियर ग्रुप बाइकॉइड एक्सुपरेंचिया स्वेलो, पोस्टीरियर में नैनोस, टूडोर, ऑस्कर, वैसा, बॉलेस, फ्लेमो, कोडल, टर्मिनल में टॉर्सल ट्रंक, FF, यहाँ इनके नाम हैं। तो इनमें अगर म्यूटेशन आ जाती है तो आप यहाँ इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो, म्यूटेशन में क्या बनेगा और इसका जर्नल क्या बनता है। तो ये बाइकॉइड देखते हैं, बाइकॉइड इंटीरियर सिमेट्री देता है, जो यहाँ आप इसमें देखोगे टॉर्सो एनोनोजी पोस्टीरियर वन एरिया बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं जायगोटिक जीन, जे जायगोट में जब मेल गैमेट फ्यूज करवाता है स्पर्म से तब ये एक्टिव होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जीन जो है, जैसे गैप जीन है, पेयर्ड रूल जीन है, प्राइमरी सेकेंडरी सेगमेंट पेटालिटी जीन, इन जीन का नाम है ये जीन इफेक्टिव यानी होते हैं, और जो जीन तभी एक्टिव होते हैं जब जायगोट बनता है। तो जायगोट में ये आएंगे, इसको जायगोटिक जीन कहते हैं। तो जायगोटिक जीन यहाँ पे चार तरह के हैं, इनके नाम लिखे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो वाइकॉइड में अगर आ जाए, ये वाइल्ड टाइप है, अगर एम्ब्रियो मदर से बन रहा है तो दूसरी टाइप यहाँ बनेगा। तो इंटीरियर मोस्ट बनता है इससे। तो यहाँ पे जो बाइकॉइड जीन है वो इंटीरियर साइड में एक्टिव होता है। इंटीरियर बाइकॉइड रिक्वायर्ड फॉर हेड एंड थोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स का एरिया जो है बाइकॉइड जीन से ही बनता है। तो यहाँ उसका ग्रेडियंट आपको बताया है, ग्रेडियंट जो इसका जो बाइकॉइड मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर इससे जो प्रोटीन बनती है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आगे जाते हैं, बट इसकी जो कंसनट्रेशन है जो इंटीरियर साइड में ज़्यादा होती है और हेड का एंड थोरेक्स का पार्ट बनाता है। बाइकॉइड जो मैसेंजर आ रहे हैं, लोकलाइजेशन है एम्ब्रियो यहाँ दिखाई गई है, जो ज़्यादा डॉटेड है ब्रैकिश, यहाँ बाइकॉइड है। न्यूक्लियर डिवाइडेड विद आउट सेल डिवीजन इन ड्रोसोफिला टू प्रोड्यूस सिनकाइशियल ब्रास्टोडर्म मेम्ब्रियो। सिनकाइशियल आपको पता ही है मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, ये सिनकाइशियल होगा। तो बाइकॉइड जो प्रोटीन ग्रेडियंट है डिफ्यूज़ करता है ट्रांसलेशन के बाद, और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंटीरियर साइड में ज़्यादा होगी, पोस्टीरियर साइड में ये डीग्रेड होना शुरू हो जाता है। ट्रांसप्लांटेशन एग का साइटोप्लाज्म किया गया है, और यहाँ पे एन ऑर्गेनाइजर ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न वो
उसकी यहाँ पोजीशन दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो एब्डोमन ओनली पोलैरिटी नॉर्मल, रेस्क्यू पैटर्न, हेड इन द सेंटर, थोरेक्स एक्स द पोस्टीरियर। तो यहाँ जहाँ इसको प्लाट किया वहाँ वो इंटीरियर स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो बाइकॉट मैसेंजर आने हैं ये हेड एंड थोरेक्स की डेवलपमेंट को इंड्यूस कराता है। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। बाइकॉट प्रोन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर। तो यहाँ आप देख सकते हो बाइकॉइड में क्या क्या इसका रोल है। म्यूटेशन अगर आ जाएगी तो उसकी इंटीरियर पोस्टीरियर जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। नैनोज जो है ये जीन है जो पोस्टीरियर साइड को अफेक्ट करता है, यानी पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो नैनो से बनेंगे। तो ऑस्कर को ऑस्कर बैसा देन ट्यूडर, ट्यूडर नैनोज को करता है एब्डोमिनल एरिया में। तो यहाँ एम्ब्रियो की पोलैरिटी आप देख सकते हो मिड ओजेनेसिस कंप्लीशन ऑफ ओजेनेसिस इन कार्शियल ब्लास्टोडर्म। तो यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन से एरिया में कहाँ आता है। तो बॉयकट जो है जहाँ पहले प्रॉपरली बनेगा स्टार्टिंग में, फिर इंटीरियर साइड में ज़्यादा आएगा, फिर वहाँ डिसलोकेट होगा स्लोली। तो पोस्टीरियर में ज़्यादा बनेगा नैनोज ऑस्कर, तो मटर्नल हंच गैप हंचबैक बनेगा और हंचबैक प्रोटीन जहाँ बनेगी। सेलुलर ब्लास्टोडर्म में हंचबैक जो प्रोटीन ग्रेडियंट है इंटीरियर साइड में आ रहा है, क्रूपल एंड जैंट पोस्टीरियर साइड में आ रहे हैं, नैनोज डेफिशिएंट होगा तो यह स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब होता क्या है, साइटोप्लाज्मिक जो पोलैरिटी है देन हंचबैक प्रोटीन ग्रेडियंट देन गैप जीन देन पेयर लोड जीन। कहने का मीनिंग है सबसे पहले तो जीन आएंगे जो मेटर्नल फैक्टर जीन होंगे, देन जैगोटिक जीन, जैगोटिक में हंचबैक गैप पेयर जून। तो ये जीन होते हैं एक दूसरे को कैस्केड में कंट्रोल करते हैं। तो सबसे लास्ट में होम्योटिक जीन होते हैं जो उसको प्रॉपर फर्निशिंग करवाते हैं। तो बाइकॉट प्रोटीन है जो बाइंड करता है टारगेट जीन को एक्टिवेट करवाता है। एफिशिएंसी इसकी देख सकते हो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। बाइकॉट जो ग्रेडियंट है आप देख सकते हो इंटीरियर से पोस्टीरियर में कैसे जाता है, प्रोटीन ग्रेडियंट कहाँ बनता है। हंचबैक जेंट रूपल क्रनिप टेललेस, इसका भी आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस सेगमेंट में आ रहा है और उसके ही रेलेवेंट वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। गैप जीन रेगुलेट ईच अदर एंड फॉर्म डोमेन विद डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो गैप जीन कॉम्बिनेशन से ही काम करवाते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं। मेटर्नल जीन आप देख सकते हैं, देन यहाँ नैनोज का हंचबैक से बाइकॉट इंटीरियर में आ रहा है, वो पोस्टीरियर में कैड्स को रोक रहा है। बाइकॉट से फिर ओटीडी ईएमएस बीटीडी आ रहे हैं, हंचबैक को स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्रूपल क्रीनियम जैंट जे जी इसका कैस्केड बन रहा है। तो आरटीके होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज लाइक होता है। गैप क्रिपल का कैसे है और पेयर रूल कैसे कैसे होते हैं। इवन स्किप जीन, जो इवन स्किप जीन है वो आप देख सकते हो कहाँ आएंगे, यानी इवन में एक्सप्रेस नहीं होगे ओड में होगे, जिसके सेगमेंट एंड पैरा सेगमेंट मैंने आपको बताए थे जो मेरे ख्याल से मैंने 17 और 18 टोटल बनते हैं, तो उसमें कहाँ बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो इवन स्किप कैसे बन रहा है, तो कहाँ कहाँ से ये कौन कौन से सेगमेंट में आ रहा है। हंचबैक जैंट, तो जैंट एक्टिवेट कर रहा है इवन स्किप में, तो क्रूपल एक्स उसका रिप्रेसर है। तो ये इसके डोमेन्स एंड मोटिव्स का बताया है कहाँ बाइंड करता है इसका।
खुशी तराजू जो हैं जी लेट आते हैं, एंड में आते हैं। ये मैंने आपको बताया था सेगमेंट एंड पैरा सेगमेंट 14 बन रहे जो, तो यहाँ आप देख सकते हो इवन स्किप एंड फुशी तराजू पेयर रूट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट द सेगमेंट प्रायोरिटी जीन दैट इज इनग्रेल्ड। सेगमेंट एंड पैरा सेगमेंट, पैरा सेगमेंट जो है सेगमेंट के बीच में आता है, तो यहाँ इनिशिएशन बाय प्रोडक्ट ऑफ पेयर रूट जीन, तो यहाँ पे इवन स्किप फुशी तराजू, इवन स्किप फुशी तराजू, तो इनग्रेल्ड यहाँ एक जीन है वो एक्टिव हो रहा है EN। यहाँ आप देख सकते हो इंट्रैक्शन बिटवीन इनग्रेल्ड एंड विंगलेस, दोनों की इंट्रैक्शन हो रही है। तो इंट्रैक्शन से क्या होता है, तो इंटीरियर पोस्टीरियर ग्रैंडिविन इनग्रेल्ड का कॉम्पिटेंट, विंगलेस इनग्रेल्ड कॉम्पिटेंट, अलग अलग ग्रेडियंट है। तो डिफ्यूज़न हो जाती है विंगलेस प्रोटीन की, जब डिफ्यूज़न होगी तो विंगलेस का एक्सप्रेशन आएगा, एक साइड में इनग्रेल्ड का आएगा, तो इनग्रेल्ड पोस्टीरियर में ज़्यादा आएगा, विंगलेस इंटीरियर में। तो यहाँ पैच रिसेप्टर होते हैं, इनग्रेल्ड उससे फ्यूज करेगा, डिफ्यूजन ऑफ हेजहॉग प्रोटीन, तो हेजहॉग प्रोटीन बनेगी इनग्रेल्ड से। तो यहाँ इंटरसेलुलर फीडबैक मेंटेन द पेयर रूल जीन, तो यहाँ विंगलेस प्रोटीन जो आई है फ्रीगल प्रोटीन है रिसेप्टर में, जो DSH डैश से बाइंड करेगा, देन ZW3, देन आरमाडिलो, आरमाडिलो से कंबाइन करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इनग्रेल्ड है जो एक्टिव होंगे। तो हेजहॉग यहाँ बाइंड करेगा शुद्धन समूदन प्रोटीन से, पैच रिसेप्टर है, क्यूबिटिक इंट्रप्सिस प्रोटीन बनेगा, सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विंगलेस होगी। तो यहाँ आप इनको देख सकते हो एक कैस्केड बनता है, तो जो विंगलेस है इसका एक्सप्रेशन देख सकते हो, विंगलेस फ्रीगल डिशेबल्ड GSK3 बीटा कैटिनिन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो फ्रीजल BNT जब बाइंड कर रहा है फ्रीजल से, डिशेबल GSK3 बीटा कैटिनिन एक्टिव करा रहा है, वहाँ आप देख सकते हो बीटा कैटिनिन उसको करवा रहा है। तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर यानी एक्टिवेशन का था इसमें, तो यहाँ आप इसको देख सकते हो फ्लो चार्ट की फॉर्म में कैसे इसकी डेवलपमेंट है, इसका ओवरव्यू है कौन कौन से जीन और कहाँ एक्टिव होता है। स्टेप वाइज मैनर में बताया गया है, सो डेवलपमेंट में आप देख सकते हो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेन बॉडी एक्सिस एंड पोलैरिटी के जीन, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर एंड पोलैरिटी ऑफ बॉडी सेगमेंट, सेगमेंटेशन के जीन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ई सेगमेंट, होम्योटिक जीन, तीन तरह के यहाँ फंक्शन होते हैं। सो एग पोलैरिटी में मेटर्नल जो मदर से आते हैं, मॉर्फोजोन होते हैं, इनकी कंसनट्रेशन जो है अफेक्ट करती है। डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में डॉर्सल जीन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर में कौन जीन हेल्प कराते हैं, बाइकॉइड नैनोज एंड हंचबैक। जीन आपको यहाँ बताए गए हैं कहाँ कहाँ इनका एक्शन होता है, कैटकस जो है ट्रैप डॉर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म, बाइकॉइड इंटीरियर में, नैनोज पोस्टीरियर में, हंचबैक इंटीरियर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कराता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच प्रोटीन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर, बाइकॉइड। सो यहाँ पैटर्न फॉर्मेशन में सेगमेंटेशन जीन है दैट इज कंट्रोल द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी इंडिविजुअल सेगमेंट। गैप जीन जो होते हैं ये क्या करवाते हैं, ब्रॉड रीजन गैप बिटवीन गैप को कराते हैं, पेयर रूल जीन अफेक्ट द अल्टरनेट एक्सप्रेशन, सेगमेंट पोलैरिटी हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी असाइन कराते हैं।
यहाँ पे जीन बताएंगे गैप रूट पेयर जीन सेगमेंट पेनाल्टी जीन, ये सारे जाइगोटिक जीन्स हैं। होम्योटिक जीन जो है आइडेंटिटी प्रोवाइड कराते हैं ईच सेगमेंट को, तो अदर ऑर्गेनिज्म में भी ये होता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर जो 3 होता है उसमें दो तरह के होमेटिक जीन का क्लस्टर होता है, एंडिनापीडिया कम्प्लेक्स एंड वाई थोरेक्स कम्प्लेक्स, और ये यहाँ हेल्प कराते हैं पूरी बॉडी के ई सेगमेंट को फर्निशिंग कराते हैं। तो यहाँ पे आप इसका डोर्सल वेंट्रल का देख सकते हो कैसे एक्सप्रेशन बनता है। सो डोर्सल वेंट्रल में प्रोटीन्स हैं जो जैसे डोर्सल एंड कैटकस, वेंट्रल साइड में डोर्सल सो टॉल लाइक जो रिसेप्टर इसमें हेल्प कराते हैं। सो डोर्सलाइज करवाने के लिए म्यूटेशन आ जाएगी टॉल में तो कोई वेंट्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। सो बीटी ट्रा जो है साइटोप्लाज्म में आती है। सो विदाउट टॉल एक्टिवेशन डॉर्सल प्लस कैटकस, तो ट्यूब अडेप्टर एंड पीले काइनेज फास्फोराइलेट कैटकस एंड प्रमोट इट्स डिग्रेडेशन। तो जब कैटकस की फास्फोराइलेशन होती है वो डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉर्सल में और वेंट्रल में क्या बनेगा। सो डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी यहाँ से स्टडी कर सकते हो। सो मूवमेंट ऑफ ऊसाइट न्यूक्लियस टुवार्ड द इंटीरियर डोर्सल पोजिशन विद इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ऊसाइट। सो मैसेज ऑफ द गर्कन जीन इज लोकलाइज इन द क्रीसेंट बिटवीन द ऊसाइट न्यूक्लियस एंड ऊसाइट सेल। सो प्रोडक्ट ऑफ गर्कन इज द गर्कन प्रोटीन, जो गर्कन प्रोटीन है फॉर्म एन इंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट अलॉन्ग द डोर्सल सर्फेस ऑफ ऊसाइट। सो जो गर्कन जीन है प्रेजेंट ओनली इन द ऊसाइट। और एक टॉर्पीडो है जे सोमेटिक फॉलिकल सेल में एक्टिवेट होते हैं जीन। सो फॉलिकल सेल कंटेन टॉर्पीडो रिसेप्टर प्रोटीन विच रिसीव गर्किन सिग्नल। सो गर्किन का सिग्नल टॉर्पीडो रिसीव करता है तो टॉर्पीडो इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ पाइप जीन को रोक देता है। सो बिकॉज ऑफ विच पाइप इज प्रोड्यूस ओनली इन द वेंट्रल फॉलिकल सेल। सो वेंट्रल रीजन में सिर्फ पाइप प्रोटीन आएगी। तो यहाँ आप इसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कैसे ये प्रोटीन्स हेल्प करा रहे हैं। तो टॉर्पीडो रिसेप्टर डोर्सल सेल में है, वेंट्रल में टॉर्पीडो एक्टिव नहीं है। सो पाइप सिंथेसिस जो है इसकी किस एरिया में हो रही है किस में नहीं हो रही है यही यहाँ एक्टिव कराता है। सो पाइप एक्टिवेशन मैंने जैसे आपको बताया है, वेंट्रल एरिया में पाइप एक्टिव होगी। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी प्रोटीन कैसे हेल्प कराएगी। सो वेंट्रल रीजन जो बनेगा पाइप प्रोटीन से विच इज़ ओनली एक्टिवेटेड इन द वेंट्रल सेल, तो वेंट्रल एरिया में पाइप एक्टिव होगी। मॉडिफाइड एंड अननोन फैक्टर एक्स न्यूट्रल प्रोटीन एंड एफ स्प्लिट जीडी एंड स्नेक प्रोटीन विच इन टर्न एक्टिवेट द स्टेपल प्रोटीन। स्टेपल प्रोटीन टॉल रिसेप्टर से बाइंडिंग करती है। सो डोर्सल सेल जो है रिसीव द टॉल सिग्नल एंड सेपरेट द कैटकस प्रोटीन फ्रॉम द डोर्सल प्रोटीन ड्यू टू विच द डोर्सल प्रोटीन गेट ट्रांसलोकेटेड इन टू न्यूक्लियस विच लीड टू द वेंट्रलाइजेशन ऑफ सेल। तो डोर्सल प्रोटीन है ट्रांसलोकेटेड इन टू द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में ट्रांसलोकेट हो जाती है। सो डोर्सल जब न्यूक्लियाई में ट्रांसलोकेट होगी तो वेंट्रल एरिया बनेगा, जब एक्सप्रेस होगी तो डोर्सल बनेगा। सो इफ द डोर्सल जीन और डोर्सल प्रोटीन एबसेंट सो ऑल द वेंट्रल सेल जो है डोर्सल बन जाएंगे। तो यहाँ इसका ओवरव्यू आप थोरली पढ़ सकते हो ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट में।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।